अधिकतर लोगों को ये भी नहीं पता कि अर्नब गोस्वामी को किस बात के लिए जेल में डाला गया है। तो 2018 में एक शख्स थे जिन्होंने आत्महत्या की थी, और ऐसा उन्होंने जो अपना सुसाइड नोट है उसमें लिखा था कि कुछ लोगों का नाम लिखा था, और ये कहा था कि अर्नब जी ने मेरे पैसे वक्त पे नहीं दिए तो मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अब उनकी टीम का ये कहना है कि उन्होंने वो पैसे दिए थे। ये तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि किसी के वक्त पे पैसे ना देने से क्या कोई आत्महत्या कर सकता है। अगर करता है तो ये सही है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है या नहीं है, किसी कारणवश अगर किसी के पास पैसे हैं या नहीं है, देरी हो जाती है तो क्या वो एक इतना बड़ा जुर्म है कि जिसके लिए ट्रायल हो। ये सब जानते हैं कि ये किस बात की उनको सजा मिली। आज उनको जेल में ले जाया गया और उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन पप्पू सेना उनको सोनिया का जो असली नाम है वो लेने के लिए, इसको कहते हैं फेसिस्ट गवर्नमेंट, उसका नाम लेने के लिए उनको ये सब यातनाएं सहन करनी पड़ी। मगर मैं पप्पू सेना से कहना चाहती हूँ, उन्होंने ये बेवकूफी करके अर्नब गोस्वामी जी को आज तक का सबसे ज्यादा लोकप्रिय जर्नलिस्ट बना दिया है। और वो जानते नहीं है कि वो उनको जितनी टॉर्चर करेंगे, जितनी यातनाएं देंगे, ही विल बी स्ट्रॉन्गर, और उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती ही जाएगी। और इतिहास पप्पू सेना को इसी नाम से याद रखेगा कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर है उसके साथ में कैसी ज़ायती की थी, और इतिहास अर्नब गोस्वामी को एक हीरो की तरह याद रखेगा। जय हिंद। के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।